जय श्री महाकाल। कहाँ जय श्री महाकाल। आ गई ठंडाई, ठंडाई पीनी है अब। बहुत ही अच्छी सी ठंडाई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज महाशिवरात्रि है और आज हम जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर, जहां हम और कुछ मेरे दोस्त वहां जाके दर्शन करेंगे और वहां का एक आपके लिए ब्लॉग भी लाएंगे गाइस। तो गाइस, अभी हम घर से निकल चुके हैं और अपनी बाइक में हैं ये, और ये एक बांध है, और हम यहां से जाएंगे सोमनाथ मंदिर, जो अपने चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के मानिकपुर तहसील में पड़ता है। गाइस, सनलाइट की वजह से क्लियर ना रहा होगा, बट अब हम आपको सीधा सोमनाथ में ही आपके लिए ब्लॉग लाएंगे। तो मिलते हैं सोमनाथ में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। वेलकम टू माई ब्लॉग। हम आ गए हैं सोमनाथ। ये जैसे कि हमने अपने पहले आपको आगे बताया हूँ, ये सोमनाथ मंदिर है। आज शिवरात्रि का दिन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ है गाइस। और ये अभी हम पीछे साइड परिक्रमा मार्ग में हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मेन शिवलिंग मंदिर है ये गाइस 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर है गाइस। 1500 वर्ष पुराना मंदिर है, और ये टूटा फूटा, ये मुगल साम्राज्य के टाइम में इसको तोड़ा फोड़ा गया, तब से इसमें कोई निर्माण नहीं कराया गया गाइस। यहाँ पर बहुत ही आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस। और अभी हम लोग आधे घंटे लाइन लग के दर्शन किए हैं गाइस, और मेन मंदिर ये है गाइस। यहाँ पर शिव जी का 1500 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, और इसमें कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है, और इसमें तोड़ फोड़ ये जो मंदिर को खंडर किया गया था मुगल साम्राज्य काल में ही किया गया था। और यहाँ से लाइन लगी है पूरी अंदर तक, ये देख सकते हैं आप, और इन लोगों को अभी तक दर्शन करने में लग जाएगा कम से कम एक घंटा। तो गाइस, आप भी देखिए, और हम आपको ज़्यादा भी नहीं शूट कर पाएंगे, तो इसलिए आपको हम ये बैक क्लिक में वीडियो शूट करेंगे, और आप देखिए, वीडियो एंजॉय करिए, मिलते हैं गाइस। ये सोमनाथ का प्राचीन 1500 साल भाई, आप देख सकते हैं यहाँ कितनी लंबी लाइन है, और जो कि भगवान शिव को स्नान शिवलिंग पूजा करने के लिए लाइन लगाए हैं, कतार में खड़े हैं गाइस। और आप देख सकते हैं यहाँ से मेन मंदिर तक पूरी ऐसी लाइन है गाइस। जब हम लोग गए थे तो इतनी लंबी लाइन नहीं थी, बट हमारे हम जब आधे घंटे हम तब भी लगे थे, बट हमारे बाद पीछे पीछे फिर बहुत लंबी लाइन हो गई थी गाइस। तो गाइस, आप देख लीजिए पूरा जहाँ से हम आए वहाँ से लेके यहाँ तक पुलिस फोर्स भी लगी है, जो कि यहाँ कभी पुलिस फोर्स नहीं लगी थी।
क्योंकि गाइस ये मंदिर सबसे खास बात ये है कि 1500 साल से भी ज़्यादा प्राचीन मंदिर है और ये मुगल साम्राज्य काल में इसको तोड़ फोड़ दिया गया था और उसके बाद से इस मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। और गाइस तो इसलिए ये मंदिर आज भी अपने अस्तित्व में है और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। गाइस आप भी आइए और देखें यहाँ की यहाँ, और गाइस बारिश के टाइम पे तो यहाँ और ही अच्छा लगता है। तो गाइस आप वीडियो देख एंजॉय करें। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मंदिर जो यहाँ बताते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, बट गाइस देवी 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते हैं गाइस, 33 कोटि प्रकार के जो संस्कृत का वर्ड है और उसमें मतलब 33 कोटि का मतलब प्रकार होते हैं, तो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता यहाँ मौजूद हैं। आप आइए। और सबसे अच्छी जगह कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और बहुत ही प्राचीन मंदिर, तो आप देखें वीडियो को और बताएं कमेंट करके कि ये क्या ऐसा है। जिनको पता है तो कमेंट करके इस मंदिर के बारे में ज़रूर बताएं। हेलो गाइस, हम आ गए हैं बाहर और ये बाहर का नज़ारा है और अंदर अभी भी भीड़ है। जय श्री महाकाल। क्या गई ठंडाई, ठंडाई पीनी है अब। गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और अब हम निकल रहे हैं क्योंकि अंदर का आपने वीडियो पूरा देख लिया। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना गाइस, क्योंकि हमने यहाँ का पूरा वीडियो आपको दिखा दिया है। भीड़ महाशिवरात्रि का दिन है, आमतौर में यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती गाइस, फिर भी अभी भी आना जाना लगा रहता है सब घर में। हम आ गए हैं बाहर और अब जा रहे हैं हम अपने घर को। तो ये हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस आपने वीडियो को एंजॉय किया कि नहीं ज़रूर बताना, और ऐसी जगह जाने को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जाएंगे हम अपने घर, तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट जगह में किसी नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।